ये घर किराए पे देने से पहले मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ। आज तक इस घर में कोई एक रात से ज्यादा टिक नहीं पाया है। अरे हम टिक के दिखाएंगे, हम किस लिए हैं? नहीं टिका था कभी, मान जाओ मेरी बात। टिक गया तो ना टिका तो। अरे तुम तो शर्त लगाओ, मुजोरी मुजोरी मत करो। पता कितनी टिक हो गई? 33 रुपए की हो गई। तेरी साले, अरे 33 की कोई शर्त रखे? महंगी तो रख। 50-50 की हो गई। चल हो गई, अगर तुमने इसको आज रात काट दी तो मैं 50 रुपए तेरे घर आकर दूंगा। यस, किराया भी बच गया और शर्त भी लग गई। अब आ जाओ मैं, आ जाओ। अबे यार, अगर इस घर में सच में भूत हुआ तो? बे बेटे, भूत भूत कुछ नहीं होते, सब बनावटी बातें हैं ये। अजी, और अगर तेरे सामने आ गया ना भूत तो तेरी फटके चार हो जाएगी। अबे तू ये बात हमसे कर रही है? हमसे? हम तो हम हमारे दादा तक का उठना बैठना था भूतों के साथ। आई बात समझ में तेरे? बीड़िए पिए भूतों के साथ, पत्ते खेले हैं। मैं कहानी सुनाता हूँ अपने दादा की। अरे यार कहानी वानी छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान लगा दो यार, हमें कल को पेपर है। अबे पेपर तो वैसे लीक हो जाएगा, तू कहानी सुन। अबे भैया, एक बार की बात है, हमारे दादा रहा करते थे खेत पे। अब भैया जब वो रात को खेत पे रहते थे, एक दिन क्या हुआ, बीड़ी पी रहे थे, उनके बराबर में अचानक से सिर कटा गया और आती पता क्या बोला उनसे, बीड़ी दे बीड़ी। हमारे दादा थे बड़े चलाक आदमी, उसने तो नॉर्मल पी, उसे बढ़ी हुई बीड़ी पिलाई, साला वो हो गया नशे में। अब भैया जो हमारे दादा कह रहे वही काम जो कर रही, जो बोल रहे वही काम कर रही, साले से 100 बीघे का खेत जुटवा दिया। लेकिन एक मिनट, सिर कटेगा तो सिर होता ही ना, बीड़ी कैसे पिला दी तुम्हारे दादाजी ने उन्हें? अबे तूने देखा सिर कटा? ना मैंने ना देखा। तो तू चुप बैठ रहे, ना तो साले हाथ पकड़ के बाहर खड़ा कर दूंगा। कहानी सुनिया, कहानी सुनता रहे, इतना दिमाग अगर पढ़ाई में लगा लेगा ना तो कुछ बन जाएगा। चलो पढ़ाई करो। जब ऐसी बात है तो एक कहानी हमारी भी सुन लो भाई। चलो तुम भी सुना दो। अभी एक दो हफ्ते पहले की बात है, मैं नदी पर टहलने गया, मुझे मिल गया वहां पर छलावा। अच्छा, अब मेरी तो फट गई यार छलावा देख के। मेरे दिमाग में 32 गली कि यार छलावे के सामने अगर पैंट उतार दो नंगे हो जाओ तो छलावा डर के भाग जाता। ओहो, मैंने अपनी पैंट उतार दी और पूरा नंगा हो गया उसके सामने। फिर क्या हुआ? फिर क्या, पहले 28 की आती थी पेटी, अब 32 की आ रही है, 31 हो जाती। अबे भूत को दे दी? अरे भाई जब सब अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं तो एक हम भी सुना दें अपनी। लाओ लगे हाथ, तुम्हारी भी सुने ले। हमारे दादाजी पर थी 200 एकड़ की जमीन। अब भैया रात में हम खेत पे हो गए, तुम्हारे दादाजी ने लगाई 2 बीड़ी, हमारे दादाजी ने लगाई 3 बीड़ी और तीनों ही भर हुई। ओ भैया मैंने सुन लिया, चुपचाप सो ले। चलो भाई टाइम बहुत हो रहा, सो। अबे जब तू हमारे उड़ोड़ का काट सकता हो तो हम नहीं काट सकते? अबे ये खुद तो फेल होगा हमें और करवाओ। यार तुम तीनों ने अपनी अपनी कहानी सुना दी, एक मेरी भी सुन लो। लाओ तुम भी फेंको। तो भाई बात है 1959 की, मैं जब बहुत छोटा था तो ऐसे जंगल में से घूम के जा रहा था। अब भाई मुझे आती है बच्चे की रोने की आवाज, और मैंने देखा तो झाड़ी में बच्चा पड़ा, और यार मुझे आ गया तरस उस पे। मैंने सोचा इसे उठा के गांव में ले जाऊं, जिसका होगा पहचान लेगा, दे दूंगा उसे। हमने उठा लिया। अब 1 किलोमीटर दूर जाने के बाद पता चलता पैर उसके वहीं है और वो मेरी गोद में। भाई साहब मेरी फटके चार हो गई थी, मैं उसे फेंक के तुरंत घर आ गया, सो गया। बहुत सच्ची कहानी है भाई इसकी तो। इसे कहते हैं कहानी। देखो मुझे अपनी भी झूठ लग रही, तुम्हारी भी और इसकी भी, लेकिन इसकी बिल्कुल सच्ची लग रही। इसने तो तबाह मार दिया भाई कहानी पे, इससे बड़ी फेंकनी पड़ेगी। लो भाई सुन लो, एक कहानी हो रहा है भाई मेरे परदादा की है। बैल बन रिया, बैल पे भैया चढ़ गया जिन, वो खुल गया, हमारे दादा को रंधा के डाल दिया। दादा आगे आगे, बैल पीछे पीछे, दादा आगे आगे, बैल पीछे पीछे। अब जैसे ही हमारे दादा को पता चली कि बैल पे जिन है, हमारे दादा ने जो एक घूंसा मारा है, बैल पे से जिन कूद के इधर, हमारे दादा ने उठाई बोतल, जिन बोतल के अंदर बंद। भाई साहब मलकद्दे की नदी के अंदर फेंक का है। चलो सो, टाइम बहुत हो रहा, घंटा भी बोलिए। सरसों का तेल लगा के आना पड़ेगा कब्जे पे।
लिया। ऐसे है जैसे कि चोर बाजार में से खरीदी हो लाइटें। इतनी सस्ती लाइटें न लगवानी चाहिए घर में। अबे ये उधर घूम करके पंखा किन्ने चलाया है? कौन खारिया है उधर आबा? अबे ओए ए जब पंखा बंद कर क्या साले, बत्ती का बिल बहुत ही बैठेगा इस बार ना। तो क्या है भाई साहब, मैं भूत हूँ, मुझसे डरो। अबे यार कसम से मुझे डरने लग गया। देख रात बहुत हो रही है, और सुन रात को मौत का सोइएगा भी बिस्तर पर मौत ले। भाई साहब हल्का फुल्का तो डर लग रहा होगा। सही बता रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है यार, कसम से मेरा भूत निकलने वाला। जब तू चले यहाँ से, देख कौन सी आया है? थर्रा पी का आया या मैकडॉनल्ड का पी का आया या स्लोटन फूम का आया? अबे मैं सच का भूत हूँ। ओ, तो तू सच में भूत है? खाओ माँ कसम। एक मिनट दो लिए तीन कर दूं। अरे एक मिनट रुक, ये बताइए कितने? दो तीन है। ले ले जरा इसे बीच को ले, बताइए कौन सी है? लक्कू। बता तो सही, ये वाली है। तेरी साला तुम मेरी मजाक बना रहे हो, जा रही हूँ यार मैं। अबे जाओ यार, तुम्हें यार मजा खराब कर रहे हो। अबे भाई साहब तुम यार असलियत में भूत हो, यहाँ को बैठो। हाँ सुनाओ भाई, सुनाओ कहानी सुनाओ। अबे ये भूत है, ईमानदारी से होती है। देखो तुम भूत हो ना, तुम ये बताओ तुम भूत बने कैसे? यार मैं डॉक्टर बनना चाहता था, ये बात मेरे घर वालों को पसंद नहीं आई और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। फिर मैंने सोचा अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो किसी न किसी को जरूर बनाऊंगा भाई। मैंने एक बच्चा अडॉप्ट किया और दिन रात पढ़ा के मेहनत करके उसे डॉक्टर बना दिया। कुछ समय बाद मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना उससे हॉस्पिटल वापस ले लिया जाए। जैसे ही मैं हॉस्पिटल लेने गया, साले ने पीछे से आके मर्डर कर दिया। वैसे कंचना मूवी की यार स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया थी, ए बन लिखी थी राइटर ने। चार बार तो मैंने देख रखी है। तुम्हारी कहानी क्या है, तुम अपनी तो सुनाओ। तुमने भूल भुलैया देख रखी है क्या? 10 बार 4 बार मैं तो अभी देख के सोया हूँ। फिर मैं तुम्हें अपनी असली कहानी सुनाता हूँ। एक गाँव हुआ करता था सन्नाटा नाम का, उसके अंदर सन्नाटा रहा करता था। मतलब गांव के अंदर कोई आता जाता नहीं था? अबे यार मेरा नाम था सन्नाटा, गांव के अंदर तो गांव वाले रहते थे। ओ तुम्हारा नाम था, चलो आओ बताओ यार। हम कुछ दोस्तों ने यूट्यूबर बनने का सपना देखा, बड़ी मेहनत के बाद हमारी एक वीडियो वायरल गई, हमारा चैनल मोनिटाइज हो गया। मैंने बोला अकाउंट नंबर मेरा लगेगा भाई। ये बात अजर को हजम नहीं हुई और उसने पीछे से आके मेरे निपटा दिया भाई वहीं पे। मुझे लगा कि सच में फाइटर का लगा का है। बड़ी बाहियात कहानी सुनाई है भाई तूने। अबे तेरी खुद की कहानी हो तो सुना ना, तो देख गेट खुल गया चुपचाप चले आया से। अबे यार अगर मैं तुम्हें अपनी असली कहानी सुना दूं तुम हंसोगे तो ना भाई? हम क्यों हंसेंगे, तू सुना। यार मैं जो है ना रपकनी पे से रपक रिया, गलती से उल्टा रपक गया, सिल लग गया, वहीं मर गया। अबे ये तो शुरू होने से पहले खत्म हो गई। अबे यार तुम मुझे हल्के में ले रहे हो, मैं जा रही हूँ। अरे 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 भाई बैठ यार, ये असलियत का भूत है। बैठ भाई बैठ, डर लग रहा मुझे भी, जब भी लग रहा। मैं भी डर गया यार। एक सवाल था मेरा, तुम ये जो लाइटों से जो गाड़ खुजाते हो क्यों खुजाते हो? अगर ये फुक फुक आ गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यार वो हमें ना माहौल बनाना पड़ता है, ऐसा हम जब लाइट जलाते बुझाते हैं ना तो लगता है लोगों में रोला टाइप का खौफ, समझ लो ना, डर डर बनाना पड़ता। वो थोड़ी परंपरा से निभानी पड़ती है भाई। हाँ भाई, सेक्टर 62 में 2 लंडे जाने और डराने चलने 20 रुपए मिलती है। अरे यार भाई मैं यहाँ पे जरा अकेले ही 4-5 लड़कों को डरा रही हूँ और ये इस कदर डर रहे हैं। अबे इनकी फटी पड़ी है बहुत बुरी तरीके से, यकीन नहीं आ रही तो ले सुन ले। भाई सब तुमसे यार थोड़ी सी हम्बल रिक्वेस्ट है,
थोड़ा डर के दिखा दो प्लीज। देख लिया सुन लिया तूने, चल ठीक है ओके बाय सी यू अगेन। यार एक सवाल और बताओ, तुम कंबल खेस के क्या साबित करते हो? अरे ये बताओ तुम पेड़ों पे क्यों रहते हो और तुम काले कपड़े ही क्यों पहनते हो यार? ये जवाब तुम ये बताओ लोगों के शरीर में क्यों घुसते हो? बता दो यार तुम भक्त कितनी तेज़ हो? अरे ये बताओ तुम रात को क्यों निकलते हो? सफेद और काला मेकअप क्यों लगाते हो ये बताओ? अरे यार तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हें रात में कैसे दिखाई दे जाओ? भाई साहब यार मेरी ड्यूटी चेंज हो गई दूसरे मोहल्ले में, मैं जा रही हूँ ओके बाय। अरे मेरी बात तो चल जा, गेट लगा के यार, बतेरा टाइम हो गया। भाई साहब गेट मत लगाओ, मैं ऐसे निकल गया।